एवरीवन, आज आप लोगों के लिए भैया एमपीजीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आप लोगों को बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आप सभी का, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए 11 सदस्यों को चुना जाता है। राज्यसभा की बात की जाए यदि लोकसभा को, तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? आप सभी को पता होगा भैया, लोकसभा के लिए 29 सदस्य चुने जाते हैं और विधानसभा के लिए 230 सदस्य प्रतिवर्ष आप लोगों के चुने जाते हैं। 6 अप्रैल 1930 को निम्नांकित किस स्थान से सेठ गोविंद दास पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत आपको बताना है किस स्थान से की गई, तो ये आप लोगों का मध्य प्रदेश के जबलपुर से की गई, जिसे हम लोग संस्कार राजधानी के नाम से भी जानते हैं। और वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी का जलप्रपात है, बहुत ही बढ़िया आप लोग का है, ठीक है। यहाँ देखा 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान से शुरू हुआ? तो 1857 का विद्रोह यदि प्रदेश में बात करें, मध्य प्रदेश में, तो ये जो आप लोग का नीमच से आप लोग का शुरुआत हुआ था, मध्य प्रदेश के नीमच जिले से इसका शुरुआत हुआ था। विश्व प्रसिद्ध पाषाण युगीन मानव द्वारा निर्मित भित्ति चित्र गुफाएं, तो यह भित्ति चित्र गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं? तो भित्ति चित्र गुफाएं का मतलब होता है दीवालों पर चित्र बने हुए हैं, ये आप लोगों का भीमबेटका की गुफाएं हैं। इनको यूनेस्को के द्वारा 2003 में विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है, इसे आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश का भारत में एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, जो कि विश्व स्तर पर भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? तो वो आप लोगों की ये पन्ना, और पन्ना की एक खान है मजगांव की खान, जो कि बहुत ही ज्यादा वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि उसने हासिल की है। कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भैया विश्वनाथ यादव तामस्कर जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में भास्कर मंदिर कहाँ पर है? तो भैया भास्कर मंदिर की बात करें तो मध्य प्रदेश में बालाजी लोकेशन पड़ती है, जहां पर आप लोग का भैया भास्कर मंदिर है। कुंडलगिरी कहाँ पर है? कुंडलगिरी यदि आप लोगों से पूछा जाए तो कुंडलगिरी कहाँ पर है भैया, तो कुंडलगिरी का लोकेशन आप लोगों को पता होगा दमोह, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध आप लोग का है, कुंडलगिरी दमोह आप लोग का है। गोमटगिरी कहाँ पर है? गोमटगिरी जो आप लोग का है वो कहाँ पर है भैया, गोमटगिरी आप लोग का इंदौर में है। कुंडलगिरी हो गया, गोमटगिरी हो गया, फिर आप लोग का आता है एक सोनागिरी, सोनागिरी जो आप लोग का है वो कहाँ है भैया, दतिया में आप लोग का है। और फिर एक और आप लोग का आता है, उसका नाम क्या है भैया, एक आपको कुंडलगिरी हो गया, गोमटगिरी हो गया, और एक है आप लोगों का मुक्तागिरी, है ना। तो मुक्तागिरी आप लोग का कहाँ पर है भैया, बैतूल में आप लोग का है। कुंडलगिरी, गोमटगिरी, मुक्तागिरी और सोनागिरी आप लोग इसको याद रखेंगे। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 4,43,80,873 आप लोग का था, ठीक है। मिश्रित मिट्टी किस फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है? तो मिश्रित मिट्टी की बात करें तो आप लोग का ज्वार क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और मिश्रित मिट्टी की लोकेशन यदि मैं आप लोग को मध्य प्रदेश में बताना चाहूं तो आप लोग का इस वाले इलाके में, यानी कि ये जो लोकेशन आप लोगों की पड़ती है, यहाँ पर आप लोग का बहुत ज्यादा इस वाले इलाके में कहते हैं बहुत ज्यादा मिश्रित मिट्टी आप लोगों की पाई जाती है। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो एमपी में ग्राम स्वराज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई भैया, 26 जनवरी 2001 को एमपी में ग्राम स्वराज व्यवस्था आप लोगों की लागू की गई थी। देश में सर्वाधिक नदियों वाला राज्य कौन सा है? देश में सबसे अधिक नदियों वाला राज्य कौन सा है? इसके कारण हमें से नदियों का मायका भी कहते हैं, मध्य प्रदेश है देश में सबसे अधिक नदियों वाला राज्य, यानी कि ए इज योर राइट आंसर। प्रदेश में शुरू की गई नवजीवन योजना किससे संबंधित है? नवजीवन योजना जो आप लोग का है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भैया ये नवजीवन योजना जो आप लोग की है गांव छोड़कर शहर जाने वाले ग्रामीणों से आप लोग का संबंध रखती है, यानी कि ए इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? एमपी में 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर आप लोग का है? ये जो आप लोग का है खजुराहो में आप लोग का लोकेटेड है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? तो सोयाबीन के तेल का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो भैया मांडवद्वीप में होता है। सोयाबीन का उत्पादन देखा जाए तो धार जिले में होता है, और यदि सोयाबीन संयंत्र केंद्र की बात करें तो उज्जैन में लोकेटेड है। जीवन धारा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जीवन धारा योजना जो आप लोग की है एमपी में कुओं से ज्यादा संबंधित है, और कुओं से सबसे ज्यादा सिंचाई बालाघाट में होती है, नहरों से मुरैना में होती है, तालाबों से बालाघाट में आपकी होती है। व्याकरण के मान्य रचयिता किसे माने जाते हैं? तो व्याकरण के मान्य रचयिता किसे माने जाते हैं आप लोगों को याद रखना है, वो है आप लोगों के कामता प्रसाद गुरु। मध्य प्रदेश में कहां पर चित्रगुप्त मंदिर है? तो एमपी में कहां पर चित्रगुप्त मंदिर आप लोगों का लोकेटेड है? तो ये जो आप लोग का है खजुराहो आप लोग को याद रखना है,
जहां पर चित्रगुप्त मंदिर आप लोग का है। सतना किस चीज के उत्पादन के लिए फेमस है? तो सतना देखा जाए आप लोग का सीमेंट के उत्पादन के लिए फेमस है, हीरा के लिए पन्ना फेमस है, मैंगनीज के लिए बालाघाट, लोहा के लिए हम लोग कटनी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में खेलकूद में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलकूद के क्षेत्र में यदि हम लोग देखते हैं तो सारे के सारे पुरस्कार आप लोग के खेलकूद के क्षेत्र में दिए जाते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार आप लोग का ट्रेनर को दिया जाता है, एकलव्य पुरस्कार छोटे खिलाड़ियों को दिया जाता है, और विक्रम पुरस्कार बड़े खिलाड़ियों को दिया जाता है। स्काउट एवं गाइड्स का मुख्यालय एमपी में कहां पर है? तो स्काउट और गाइड्स का मुख्यालय भैया आप लोग कहाँ है भैया? भोपाल में आप लोगों का लोकेटेड है, भोपाल में ही तो है सब कुछ आप लोग का, है ना? सी इज योर राइट आंसर। अच्छा यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो ये जो आप लोग का स्थापित किया गया था, आप लोग का मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। अच्छा देखा जाए आपदा प्रबंधन एक्ट 2007 हमारे 2007 से हमारे यहाँ लागू हुआ था। भारिया बैगा गोंड कोरकू प्रमुख जनजातियां मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो भारिया बैगा गोंड और कोरकू जनजाति आपके दक्षिणी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। स्पेशली लोकेशन देखा जाए प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ो प्रथा पाई जाती है? तो गोल गधेड़ो प्रथा भैया किस जनजाति में पाई जाती है? भीलों में सबसे ज्यादा गोल गधेड़ो प्रथा पाई जाती है। भील सबसे ज्यादा देखा जाए आप लोगों का एमपी के आप लोगों के पश्चिमी पूर्वी या पश्चिमी हिस्से में यानी कि अलीराजपुर और झाबुआ वाले इलाके में आप लोगों के सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर होली से आप लोगों का देखा जाए शादियां होती हैं होली वाले सीजन में। अच्छा किस कवि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत के शेक्सपियर की उपाधि आप लोगों का कालिदास को दी गई थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में राजकवि के रूप में भी मौजूद रहे हैं। अच्छा ये पूछा जाता है कि भैया राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है? तो मैथिली शरण गुप्त को दी गई है, और आदि कवि की उपाधि किसे दी गई है? तो वाल्मीकि को दी गई है, और कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ये तीन प्रश्न आप लोगों को याद जरूर रखना है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेड और अदर क्वेश्चन है। WHO के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को किस रोग से मुक्त घोषित कर दिया है? तो WHO के द्वारा एक अपडेट की गई जिसमें मध्य प्रदेश राज्य को नारू रोग से मुक्त घोषित कर दिया। इसमें छोटी छोटी फंसियां होती हैं। डिजिटल भूकंप रिकॉर्डर लगाने का योजना कहां पर चल रही है? जहां पर डिजिटल भूकंप रिकॉर्डर लगाया जा रहा है तो वो आप लोग का जबलपुर है। अच्छा देखा जाए एमपी में स्पेशल जबलपुर लोकेशन रहेगी। जबलपुर को मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात यहाँ पर आप लोग का है, संस्कार राजधानी भी कहते हैं, ध्यान रखना। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से अपना स्थान भैया सत्रहवां है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से आप लोग का पांचवा स्थान है, ये दोनों भी आप लोग याद रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 कहां से शुरू होकर कहां समाप्त होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो आप लोग का है एमपी का सबसे बड़ा राजमार्ग है, और आगरा से मुंबई तक आप लोग का चलता है। दूसरा है NH7। मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, तो स्पेशली देखा जाए ये हीरा उत्पादन देश में आप लोग का प्रथम स्थान पर आप लोग का पड़ता है। मझगांव खदान वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है, ये आप लोग का पन्ना जिले में ही है। मध्य प्रदेश की देखी जाए पूर्व से पश्चिम यानी कि आप लोग का देखा जाए तो सिंगरौली से अलीराजपुर तक की दूरी कितनी है? तो भैया 870 है, 870 आप लोग के, और पूर्व से पश्चिम आप लोग की हो गई। उत्तर से दक्षिण कितनी है? उत्तर से दक्षिण यदि आप लोग की पूछी जाए तो लगा देना भैया 605 किलोमीटर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो एमपी में सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान स्थिति में गेहूं का होने लगा है, पहले इससे पहले सोयाबीन का होता था, ठीक है, वर्तमान में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होने लगा है। कौन सा शहर भारतीय मानक समय के नजदीक है? तो भैया ये जो आप लोग की है स्पेशली होशंगाबाद लोकेशन जो है आप लोग के मानक समय रेखा IST लाइन के पास है, लेकिन स्पेशली देखा जाए कि किस जिले से निकलती है, तो वो जिला आप लोग का सिंगरौली है, जहां से आप लोग की लाइन निकलती है। मानक समय रेखा आप लोग का 82 डिग्री और 30 मिनट से आप लोग की निकलती है, 5.5 घंटे का अंतर आप लोग का रहता है टाइम जोन में। मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम आप लोग का भोज हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो वो हवाई अड्डा आप लोग का कौन सा है? भोपाल का हवाई अड्डा है जिसका नाम भोज हवाई अड्डा आप लोग का कर दिया गया है। इंदौर के हवाई अड्डे का नाम क्या है भैया? होलकर हवाई अड्डा। और ग्वालियर के हवाई अड्डे का नाम है भैया महाराजपुरा एयरबेस, जो कि सैनिक के लिए यूज किया जाता है। 2008 में सिंगरौली जिले का गठन किस जिले का विभाजन करके किया गया? तो 2008 में सिंगरौली का गठन जो किया गया था वो आप लोग का सीधी से अलग हुआ था, और झाबुआ से भी अलग हुआ था, क्या अलीराजपुर है ना, झाबुआ से अलग हुआ था 17 मई 2008 को ये अलग हुआ था, और सीधी से सिंगरौली अलग हुआ था 24 मई 2008 को। ये दोनों डेट्स भी आप लोगों को बार बार याद रखनी है। मध्य प्रदेश को किस पर्यटन स्थल की खोज की थी? मध्य प्रदेश को किस पर्यटन स्थल की खोज कैप्टन बार्डन ने की थी?
तो वो स्थान आप लोग का है पचमढ़ी, और पचमढ़ी की भैया खोज कैप्टन बार्डन के द्वारा की गई थी, आप लोग को ये याद रखना है स्पेसिफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश में महापौर का कार्यकाल कितना होता है, तो महापौर का कार्यकाल एमपी में 5 वर्ष का आप लोग का होता है। और 2011 तक मध्य प्रदेश की कितनी तहसीलें हैं, तो 2011 तक आप लोगों को पता होना चाहिए 342 थी, और वर्तमान में देखा जाए तो 352 आप लोग की हो चुकी हैं, इसको भी आप लोग याद रखना। वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं, वर्तमान में आप लोग का 352 हो चुकी हैं। अच्छा, भोपाल राज्य हिंदू सभा का गठन कब किया गया, तो भोपाल राज्य हिंदू सभा का गठन जो आप लोग का है 1934 में किया गया, 1934 में किया गया। और कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की जाएगी, तो ये जो आप लोग का कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना आप लोग को 2006 में प्रोवाइड की जाएगी। जो भी विद्यार्थी इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, भैया आप लोगों ने देखा कि 10 मिनट में 40 क्वेश्चन आप लोगों ने रिवाइज किए हैं। वीडियो यदि पसंद आती है तो प्लीज अपने मित्रों के साथ जरूर 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 शेयर करना, ठीक है।